मित्रों भागवत के गजब गपोड़ों की श्रृंखला में महान गपोड़े हम आपके सामने लाते हैं। कुछ गपोड़े आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भागवत महापुराण स्कंद नंबर 9 अध्याय नंबर 6 और ये आपके सामने है। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही जल को पी लिया है तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। वारे गपोड़ी लालो, वाह गजब गपोड़े मारते हो। आप स्वयं विचार कीजिए, पुरुष के और पुत्र वो भी दाहिनी कोख दाहिनी तरफ से कोक फाड़ करके, कितना बड़ा गपोड़ा है ये। और आप ये गपोड़े से भी मन नहीं भरा तो कितना बड़ा गपोड़ा और आगे मार दिया। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। बेटा तू रो मत, यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक और पिता की मृत्यु नहीं हुई। कितना खतरनाक विज्ञान है, अंगुली से दूध निकाल देते हैं तो कितना बड़ा विज्ञान है। गायों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंगुलियों से दूध निकल जाता है और पुरुष के भी पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ऐसे गपोड़े जब पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और आप सत्य मत वेद को कभी जान ही नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे गपोड़े भरे पड़े हैं और आप कहते हो कि पुराणों में विज्ञान भरा पड़ा है। कितना बड़ा विज्ञान है आप स्वयं जानते हो। और इतना बड़ा गपोड़ा भागवत में मारा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक और महान गपोड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, भागवत महापुराण स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 6। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर डाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफाओं के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टान की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं जांगे और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब ग्वाल और गोपी डर गए। उस भयंकर चिल्लाहट सुनकर सबके हृदय कान और सिर पर पहले से ही फट रहे थे। कितने खतरनाक गपोड़े मारे हैं। पूतना का शरीर 6 कोस लंबा बताया है। जब आप देखें गोकुल और मथुरा के बीच में जितनी दूरी नहीं है उससे तो ज़्यादा ये पूतना का शरीर लंबा है। जब पूतना का शरीर गिर गया होगा तो गोकुल और मथुरा के लोग दब करके मर जाने चाहिए थे। कितने बड़े गपोड़े मारते हैं पोप जी। 6 कोस का मतलब होता है 18 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर माना जाता है। कितना खतरनाक विज्ञान है आप स्वयं देखिए। और गूगल मैप्स के अनुसार हम आपको ये गोकुल और मथुरा के बीच की दूरी बता देते हैं। समय काल और
भूगोल में परिवर्तन के कारण थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि 5000 साल में और क्या अंतर आएगा। पर पोप जी के गपोड़े मारने की आदत बहुत खतरनाक, आप स्वयं देखिए। सारे गोकुल और मथुरा के लोग दब करके मर जाने चाहिए थे, पर इन्होंने तो पता नहीं कितने से कितने बड़े गपोड़े मार डाले। आपका अपना YouTube चैनल है, धन्यवाद।